हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ दिव्या और आप देख रहे हैं मुझे। मैं हूँ दिव्या फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल रांची गर्ल दिव्या। तो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं और आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, और लाइक और शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि आज का जो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। आज मैं एक ऐसा हेयर ऑयल लेकर आई हूँ जो कि आपके स्कैल्प, अगर आपके स्कैल्प जो है अगर वो ईची है तो वो इचीनेस को ख़त्म करेगा, अगर डैंड्रफ है तो वो उसे रिमूव करेगा। और देखो, हमारा जो हेयर फॉल होता है उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं, और उन सब रीज़न में से एक रीज़न होता है आपका डैंड्रफ होना। आपका आपके स्कैल्प पे अगर डैंड्रफ है तो आपके बाल जो हैं वो ऑटोमेटिक वो हेयर फॉल होने लगेगा। तो आज जो रेमेडी मैं आपको बताने वाली हूँ, ये मैं खुद यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ठंड के टाइम में क्या होता है कि आपके स्कैल्प में बहुत ज़्यादा, स्पेशली मेरे स्कैल्प में तो बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो जाते हैं। और जिस यही एक रीज़न है कि समर में या रेनी डेज़ में तो नहीं, लेकिन हाँ ठंड के मौसम में, मतलब विंटर डेज़ में मेरे काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल होने लगते हैं। मैं कुछ भी कर रही हूँ, हेयर फॉल नहीं ख़त्म होते थे। तो मैंने सोचा कि क्या करूँ, फिर मैंने एक रेमेडी मैंने खुद से इन्वेंट किया, या फिर कहो कि मुझे मेरे माइंड में ऐसा कुछ आया कि ऐसा कुछ करके देखना चाहिए क्या ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है। इसलिए मैंने इसे फ्रॉम 1 मंथ मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, और मैं आपको बताऊँ मेरे स्कैल्प पे अब बिल्कुल भी डैंड्रफ नहीं है, बिल्कुल भी डैंड्रफ नहीं दिख रहा है अब, जिसकी वजह से हेयर फॉल जो है मेरा वो 50-70% मैं बोलूँ तो वो रुक चुका है। ठीक है, तो आज मैं बताती हूँ आपको करना क्या है। आपको लेना है ऑलिव ऑयल, ठीक है, ये मैंने गुड वाइब्स का ऑलिव ऑयल लिया है। आप ऑलिव ऑयल इसलिए लो क्योंकि ये जो है ना, ये हेयर को स्ट्रांग बनाता है, हेयर ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा काम करता है, साथ में ये डैंड्रफ को रोकेगा, इचीनेस को रोकेगा। और ऑलिव्स जो है खाने में भी काफ़ी अच्छे होते हैं, आपके स्किन के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, आपके हेयर के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। ठीक है, तो ये क्योंकि गुड वाइब्स का ये वेगन हेयर ऑयल है, सॉरी वेगन ऑयल है, हेयर ऑयल नहीं। इसे आप एज अ हेयर ऑयल यूज़ कर सकते हो, इसे एज अ स्किन ऑयल आप यूज़ कर सकते हो, काफ़ी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो आपने लेना है ये, और साथ में आपको लेना है गुड वाइब्स का ये एक एसेंशियल ऑयल है। एसेंशियल ऑयल आजकल काफ़ी इन है, और लोग जो हैं उसे फेस पे तो यूज़ कर रहे हैं लेकिन अपने हेयर ऑयल में से नहीं मिलाते। लेकिन मैं बताऊँ, ये लेमन फ्लेवर का है, ये एसेंशियल ऑयल है। एसेंशियल ऑयल जो होता है वो आपके प्योर चीज़ों से बिल्कुल एक्सट्रैक्ट किया हुआ ऑयल होता है ये। ठीक है, काफ़ी प्योर होता है ये, और इसकी जो एरोमा है, ये मैं आपको जो एरोमा है वो भी मतलब इतना अच्छा है। अगर आपको मान लो रात को ये नींद नहीं आती है तो आप क्या करो, अपने पिलो पे ये 2-3 ड्रॉप डालो, बहुत सूदिंग आपको फील होगा, बहुत रिलैक्स आप फील करोगे इसको डालने के बाद, आपको बहुत इजीली नींद आ जाएगी। ये आपके फेस के दाग धब्बों के लिए काफ़ी अच्छा है। एसेंशियल ऑयल कभी भी आपको ऐसे मतलब इसे सिर्फ ले के नहीं लगाना होता है, ठीक है, लगाना कहीं भी आप कैसे भी यूज़ करो, तो एसेंशियल ऑयल स्किन पे या अपने हेयर्स पे अब डायरेक्ट इसे नहीं यूज़ करो। ठीक है, जब भी आप इसे यूज़ करो, या तो ये अगर आप स्किन के लिए कर रहे हो तो किसी फेस पैक में मिला लो, या फिर अगर आप कोई सीरम लगाते हो उसमें लगा लो, कोई मॉइस्चराइजर यूज़ कर रहे हो तो उसमें आप मिला सकते हो। और ये बहुत ज़्यादा, बहुत लिटिल अमाउंट, मतलब 1 or 2 ड्रॉप्स मैक्सिमम आपको ये यूज़ करना होता है। ठीक है, काफ़ी काफ़ी बेनिफिशियल हो, ये आपके स्किन के लिए तो काफ़ी बेनिफिशियल होता ही है, साथ में ये आपके हेयर के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होता है। लोग आजकल इसे फेस पे तो बहुत ईजिली यूज़ कर रहे हैं, उन्हें पता है कि काफ़ी बेनिफिशियल है, उनके स्किन जो है वो रेडिएंट हो रहे हैं, ग्लो हो रहे हैं। इसमें बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं, मतलब आप मैं इसका लिंक जो है वो मैं दे दूंगी, अगर आपको ये लेना है तो आप ये ले लो। ये जो है डैंड्रफ के लिए, जैसा कि आप जानते हैं विटामिन सी जो होता है वो आपके स्किन के लिए, हेयर के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं ये हेयर ऑयल लेती हूँ, ठीक है, ऑलिव हेयर ऑयल गुड वाइब्स का ये मैं ले लेती हूँ, और इसमें मैं सिर्फ 3 ड्रॉप्स जो है वो मैं इसका मिलाती हूँ, 2 से 3 ड्रॉप्स। ठीक है, हेयर के लिए 2 से 3 ड्रॉप्स आप मिला सकते हो, फेस के लिए आप 1 to 2 ड्रॉप्स आप ले सकते हो। ठीक है, किसी भी चीज़ में मिला के आप इजिली यूज़ कर सकते हो। तो ये अभी मैंने 4 वीक्स में मैंने 1 टाइम इन अ वीक और 2 टाइम इन अ वीक मैंने इसे यूज़ किया, और मैं सच बताऊँ ये इतना इफेक्टिव है, मतलब मुझे सडनली मैंने कल रात को देखा कि मेरे डैंड्रफ जो हैं वो बिल्कुल ही वैनिश हो गए हैं, मतलब बहुत बहुत, मतलब अब है ही नहीं। ठीक है, और आप मेरे हेयर का ग्रोथ देखोगे, इस 1 महीने में मेरे हेयर का ग्रोथ में मुझे लगता है 4 से 5 इंच हुआ है, काफ़ी लंबे हेयर्स हैं मेरे, काफ़ी लंबे हेयर हो गए हैं, और ये काफ़ी पतले हो गए थे, लेकिन इस 1 महीने में
और ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ हेयर ऑयल जो है वो लगाने से आपके हेयर ग्रोथ होता है, ठीक है। आप अच्छे से अच्छा शैम्पू यूज़ करो, अच्छा कंडीशनर यूज़ करो, ठीक है। यहाँ पे मैं एक आपको एक छोटा सा टिप देना चाहूँगी कि जब भी आप हेयर ऑयल लगाते हो तो जस्ट मेक श्योर कि आप शैम्पू करने के 2-3 घंटे पहले हेयर ऑयल लगाओ, या फिर अगर आप रात में अगर लगाते हो तो मॉर्निंग उठ के आप हेयर ऑयल जो है वो वॉश कर लो। मैंने बहुत लोगों को देखा कि वो शैम्पू करते फिर ऑयल लगा के वो छोड़ देते हैं, ठीक है। 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक वो छोड़ते हैं, फिर शैम्पू करते हैं, फिर लगा लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। उससे क्या होता है ना कि कोई भी आप ऐसा सोचो ना कि कोई भी गीला गीला सा चीज़ या कोई भी मॉइस्चर सा चीज़ बहुत ज़्यादा जब आपके स्कैल्प के अंदर चल जाता है, वो क्या करता है, वो आपके रूट को ना वीक कर देता है। तो ऑटोमेटिक आपका जो हेयर है वो हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि आपको हेयर ऑयल जो है वो आप शैम्पू के 1-2 घंटे पहले लगाओ, या फिर अगर आप रात में लगाते हो तो जस्ट मेक श्योर कि मॉर्निंग में आप उठ करके और फिर आप हेयर वॉश कर लो, क्योंकि जितना देरी ऑयल जो है आपके स्कैल्प पे रहेगा, रूट जो है अगर ज़्यादा देरी आप रखते हो उसको, ठीक है, क्योंकि देखो हर एक चीज़ का लिमिट होता है, ठीक है। अगर आप उसको 2 दिन 3 दिन तक रखते हो तो वेरी ऑब्वियस आपका रूट जो है वो वीक हो गई, वो उस टाइम समझ में नहीं आता, लेकिन कुछ दिन के बाद आप का यू नो हेयर फॉल होने लगेगा या फिर और भी बहुत सारे प्रॉब्लम होने लगते हैं जिसका रीज़न हमें समझ में आता नहीं है कि एक्चुअली में है क्या। तो ये बहुत सारे रीज़न है, लेकिन ये वन ऑफ द रीज़न मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा भी होता है। तो जस्ट मेक श्योर कि आप हेयर ऑयल जो है काफ़ी दिनों तक लगा के मत छोड़ो अपने स्कैल्प पे। हाँ, एक और चीज़ कि जब भी आप हेयर ऑयल लगाओ तो वो आप बिल्कुल ही क्लीन स्कैल्प में लगाओ, ठीक है। क्योंकि अब आप देखो, आप अगर आप गंदगी में ही अगर आप आपके स्कैल्प अगर गंदे हैं, ठीक है, आप उसी में आप हेयर ऑयल लगा रहे हो तो वो कहाँ से वो, ठीक है। जस्ट मेक श्योर आप करो कि देखो जब भी आप गंदगी में आप अपना हेयर ऑयल जो है वो अगर यूज़ करोगे लगाओगे तो उससे क्या होगा, गंदगी जो है वही आपके अंदर भी जाएगी, आपके स्कैल्प के अंदर जाएगी, उससे आपको किसी भी हेयर ऑयल से कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, बल्कि उल्टे क्या हो जाएगा, इन स्पाइट ऑफ डैट आपके हेयर फॉल होने लगेंगे, डैंड्रफ हो जाएगा, गंदगी आ जाएगी, ठीक है। तो बस ये मेक श्योर करो कि जब भी आपका स्कैल्प क्लीन हो तभी आप हेयर ऑयल लगाओ, हेयर ऑयल लगा के ज़्यादा देर तक ना छोड़ो, ठीक है। और अच्छे शैम्पू, हर्बल शैम्पू यूज़ करो, कंडीशनर यूज़ करो अच्छे से, ठीक है। और वो भी यूज़ करने का एक तरीका होता है, एक मैनर होता है, क्योंकि देखो हेयर फॉल के बहुत सारे रीज़न होते हैं, स्ट्रेस हो सकता है, आपका डाइट हो सकता है, आपका शैम्पू हो सकता है, आपका कंडीशनर हो सकता है, आपका हेयर ऑयल हो सकता है, ठीक है। आपका मूड भी हो सकता है, हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हो, बहुत मेंटल प्रेशर है किसी चीज़ का, बहुत ज़्यादा सोचते हो तो भी आपका हेयर फॉल हो सकता है, ठीक है। अगर आप सही से डाइट नहीं ले रहे हो, प्रोटीन विटामिन नहीं जा रहा है अगर आपके बॉडी के अंदर, तो आप कितना भी ऊपर से लगा लो हेयर ऑयल तो आपका हेयर जो है वो कभी भी सही नहीं होगा, कितना भी हेयर ऑयल लगा लो, कुछ भी कर लो, ठीक है, वो भी एक रीज़न होता है। अगर आप सब कुछ कर रहे हो, हेयर ऑयल ढंग का नहीं यूज़ कर रहे हो तो हो सकता है, अगर आप सही से मसाज नहीं अपने किसी भी चीज़ के ब्लड सर्कुलेशन को जब तक आप सही नहीं करोगे, चाहे वो आपका स्किन हो चाहे वो आपका हेयर हो, तब तक उस चीज़ में आपको ग्रोथ नहीं दिखेगा, वो चीज़ सही नहीं हो सकती है, ठीक है। तो आप जस्ट मेक श्योर करो कि अगर आप जब हेयर ऑयल लगाते हो तो बहुत अच्छे से आप उसको मसाज दो, ताकि ब्लड सर्कुलेशन जो है वो सही होगा, उससे आपके हेयर ग्रोथ जो है वो इंक्रीज होगी, डैंड्रफ नहीं होगा, ठीक है। और ये जो मैंने विटामिन सी बताया है गुड वाइब्स का, ये विटामिन सी जो है ये काफ़ी इफेक्टिव है। इसका लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उस पर क्लिक कर लेना और इस प्रोडक्ट तक पहुंच जाना, और ये बहुत 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 बेनिफिशियल है। तो चलो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा छोटा सा ये टिप, ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जस्ट मेक श्योर कि मेरे वीडियो को कर देना लाइक, शेयर जरूर करना अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, नेबर्स के साथ, और जिनके साथ भी आप चाहो आप इसे शेयर कर देना, मे बी शायद किसी की हेल्प तो हो जाए। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना अगर पहली बार देख रहे हो। तो चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय। मुझसे दूर कहीं ना जा, बस यही कहीं रह जा, मैं तेरी दीवानी रे, अफसोस तुझे है क्या।